क्लास टुडे आई स्टार्ट योर एक्सरसाइज. फर्स्ट एक्सरसाइजेस कंप्लीट करनी है सेंटेंसेस. जैसे फर्स्ट है, अनु वॉज हेजिटेटेड टू अटेंड स्कूल ऑन द फर्स्ट डे. फर्स्ट डे अनु को हेजिटेशन हो रही थी स्कूल अटेंड करने में, क्योंकि बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स, उसके तो कोई दोस्त ही नहीं थे. माला का बिहेवियर अनु के साथ कैसा था, अनु को कैसा फील हुआ, इंसल्टेड. ड्यूरिंग द गेम पीरियड फर्स्ट डे, पहले दिन गेम पीरियड था तो अनु क्या हुआ, वो सेट देयर बैठी रही वहाँ लोनली एंड डिप्रेस, अकेली और डिप्रेस. एंड डू ठीक है, मम्मी ने एडवाइस किया दिया अनु को कि गिव दैम अ कपल ऑफ डेज, दो दिन का समय दो, अच्छे से काम करो, फ्रेंडली रहो. गेम पीरियड में क्या परमिशन दी गई उसको, कि वो सेव मन्ना सिस्टर, मन्ना की सिस्टर को बचा ले. अब बेटा यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स ऐसे लिखने हैं जिनसे पता लगता है कि उसको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट नहीं था स्कूल के लिए. इंसल्टेड, ड्राउलिंग, डिप्रेस्ड, रिलक्टेंट, लोनली, सीरियस. इंसल्टेड, बेइज्जती महसूस करना, डिप्रेस्ड, डिप्रेस परेशान रहना, रिलक्टेंट बेचैन रहना, लोनली अकेला, सीरियस बहुत गंभीर, ड्राउलिंग उत्सुकता नहीं थी. नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव्स लिखने हैं कि अनु के अंदर क्या क्या क्वालिटी थी. हेल्पफुल थी, वेल बिहेव थी, फ्रेंडली थी एंड चीयरफुल थी, है ना, क्योंकि वो घबराई नहीं, उसके साथ कितना ही मिसबिहेव हुआ. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. मन्ना हैज़ गोइंग टू बियर अ पार्टी या मन्ना हैज़ नथिंग एनीथिंग टू बियर अ पार्टी, एनीथिंग वाला इसमें आएगा. आलोक के पास एक कार है, आलोक हैव, इस वाले में आपका सेकंड वाला, इस वाले में आपका फर्स्ट वाला, इसमें आपका फर्स्ट, इसमें आपका सेकंड, इसमें आपका ये वाला चीना इस टॉलर वाला. नेक्स्ट वाले व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, और इसमें सैम मीट हिज फ्रेंड. मतलब जो करेक्ट है ग्रामेटिकली वो करना है, और साथ में आपके कुछ वर्ड्स मीनिंग भी हैं जो आपको करने हैं, वो मैं आपको भी बता देती हूँ. वर्ड्स मीनिंग, गिगलिंग मन में हंसना, ऑफुल खराब, सेल्फ कॉन्शियस संकोच करना, सोप सिसकना, क्लम्प भीड़ लगाना, ड्राउन डूबना. ओके बेटा, सो टुडे योर एक्सरसाइज वर्क इज़ कम्प्लीट.